आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन जॉइंट पेन प्रॉब्लम जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं या आम लोग गठियों के नाम से जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर MS नरूला। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट एट अपोलो क्लिनिक्स एंड सिटी हॉस्पिटल सेक्टर 8 चंडीगढ़। सो आपने अपने आसपास देखा होगा पेशेंट्स, कोई ना कोई आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स को ये गठियों की बीमारी होती है, और ये क्योंकि एक क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग कंडीशंस होती है तो पेशेंट्स यूजुअली बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, तो इसीलिए उसके बारे में आज कुछ जानकारी हम देंगे इस प्लेटफॉर्म पर। सो क्या होता है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठियाँ? ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स की, और दिस हैज़ टू बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज डिफरेंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जो एज के हिसाब से हमारे जॉइंट्स का वेयर एंड टेयर होता है, और भी कई कंडीशंस होती हैं आर्थराइटिस की, जैसे कोई स्किन कंडीशन सोरियासिस के साथ, कोई हमारे बाउल या यूरिन इन्फेक्शन या कोई वायरल इन्फेक्शन के बाद आर्थराइटिस हो जाता है। तो इन सब को डिफरेंशिएट करना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे मैंने बताया ये क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग स्टैंडिंग, कई बार लाइफ लॉन्ग भी होती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारी जो जॉइंट्स की लाइनिंग होती है, उसके कारण कुछ सिम्टम्स आते हैं जिससे हम इसको गठियों में डालते हैं। तो वो कुछ क्राइटेरिया उसमें क्या है, एक तो ये मल्टीपल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, मोर देन वन जॉइंट, और मोस्टली ये जॉइंट्स होते हैं स्मॉल जॉइंट्स लाइक फिंगर्स, रिस्ट, एल्बोज, फीट, एंकल, तो छोटे जॉइंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं। फिर बायलैटरली सिमेट्रिकल मीन्स साइड दोनों लेफ्ट और राइट साइड के, यानी कि एक हाथ का एक ही जॉइंट दोनों साइड के, अगर इधर का रिस्ट है तो इधर का भी रिस्ट होगा। फिर जैसे बताया कुछ ब्लड मार्कर्स होते हैं, क्राइटेरिया होता है जिसमें हम कुछ RA फैक्टर, NTCCP, वो ब्लड मार्कर्स रेज्ड होते हैं, और इसके अंदर कुछ एक आगे जाके डिफॉर्मिटीज आनी शुरू हो जाती हैं जिसमें कुछ हाथ पैर टेढ़े होने हो शुरू होने हो जाते हैं। फिर देर आर अदर क्लिनिकल सिम्टम्स लाइक फीवर, लाइट लो ग्रेड फीवर होता है, मलेस होता है, वीकनेस एंड फटीग, जो बहुत ही कॉमन अर्ली सिम्टम है जिसमें मलेस होता है, पेशेंट को एक अजीब सा लगता है कि वीकनेस फील होती है, फटीग बहुत ज़्यादा होता है। एंड ऑल्सो रिमेंबर इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस। जब पेशेंट सुबह सुबह उठते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि जी मेरा जॉइंट्स मेरे सारे स्टिफ हैं, सो इट इज़ पेन एंड स्टिफनेस स्पेशली अर्ली मॉर्निंग। ये हमारे अगर ऐसे पेशेंट के सिम्टम्स हो तो हम उसको गठियों में मानते हैं। सो हाउ डू यू डायग्नोस रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठियों को कैसे डायग्नोस किया जाता है? मैंने बताया पहले तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं। यूजुअली अ पेशेंट इज 30-60 ईयर्स ओल्ड, ऑल्दो जल्दी और लेट आने की भी एक वैरायटी होती है, पर मोस्टली 30-50 ईयर्स के होते हैं। फीमेल्स आर मोर कॉमनली इन्वॉल्व दैन मेल्स, और उसके अंदर ये सिम्टम्स होते हैं जिसमें बाइलैटरल मतलब दोनों साइड के सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस है, हमारे हाथों पैरों में स्टिफनेस है, पेन है, इन्फ्लेमेशन है, फटीग है, मलेस है। तो कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, स्किन के ऊपर कुछ नोड्यूल्स भी हो सकते हैं, और उसके बाद फिर हम अगर हमें शक हो कि ये गठियाँ हैं, और ये काफ़ी मोर देन 6 वीक्स से अगर पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, फिर हम ब्लड मार्कर्स कराते हैं। तो लैब इन्वेस्टिगेशंस में एक RA फैक्टर एक टेस्ट होता है जो प्लीज़ मेंबर वो सिर्फ 80% में पॉजिटिव आता है, 70-80%। ऐसी एक और टेस्ट होता है NTCCP। तो ये टेस्ट के बारे में एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, ज़्यादातर मेरे पास पेशेंट आते हैं जी हमने RA फैक्टर कराया है तो नेगेटिव है, RA फैक्टर इज़ नॉट पॉजिटिव इन ऑल दी केसेस। सो कई ऐसे 20-30% पेशेंट्स हैं जिनका ब्लड में नेगेटिव है पर उनको गठिया होता है, जिसको हम सीरो नेगेटिव वैरायटी। फिर अगर हमें शक लगे हम पेशेंट के एक्सरेज कराते हैं हैंड और फीट के, और उस एक्सरे में इरोजन्स होती हैं जॉइंट की, तो वो भी हमें डायग्नोसिस में हेल्प करती है। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स, लैब टेस्ट एंड रेडियोलॉजिकल फीचर्स। तो ये गठिया होता क्या है, वॉट इज़ इट, हाउ ये पेशेंट को कैसे होता है? ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, इनफैक्ट हम इसको कहते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, हार्मोनल एंड एनवायरमेंटल। हमारे कुछ ऐसी जीन्स हैं ब्लड में, कुछ ऐसे मार्कर्स हैं जिसमें क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब हमारी बॉडी की एक इम्यूनिटी होती है जिससे वो बाहर के जर्म्स को, इन्फेक्शंस को फाइट करता है। यहाँ पे बॉडी इम्यूनिटी बनाती है अपने ही सेल्स के अगेंस्ट, तभी इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बताया जाता है। तो हमारा इम्यून रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है और अपने सेल्स के अगेंस्ट हो जाता है, तो हमारी जॉइंट की जो एक लाइनिंग होती है जिसे साइनोवियल लाइनिंग है, ये उसको अटैक करते हैं हमारे अपने सेल्स और उसमें इन्फ्लेमेशन करते हैं। उसके कारण क्या होता है, पेन होती है, स्टिफनेस होता है, जॉइंट्स में नोड्यूल्स बन जाते हैं, और धीरे धीरे जॉइंट डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, और हाथों पैरों में डिफॉर्मिटीज़, हम जो डिफॉर्मिटी वाली स्टेज कहें,
एंड एक और बहुत बड़ा मिथ है, लोग सोचते हैं रूमेटॉइड ओनली इन्वॉल्व्स बोन्स. प्लीज रिमेंबर, रूमेटॉइड इज अ डिजीज ऑफ बोन्स, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स. सो मच सो कि हमारे हार्ट और लंग्स में भी रूमेटॉइड के कुछ अफेक्ट पाए जाते हैं. सो रूमेटॉइड लाइक डायबिटीज, इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन एंड इफेक्ट्स लॉट ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी. हाँ, बोन्स में ये सबसे ज़्यादा, जॉइंट्स में ये सबसे ज़्यादा मार्क्ड होता है. तो इसका प्रोग्नोसिस क्या है, रूमेटॉइड का प्रोग्नोसिस क्या है? ये क्रॉनिक कंडीशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है. हमारा जो पर्पस होता है ये बताने का कि पेशेंट ये, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. हम कहते हैं कि जी क्योर हो जाए, ऐसा शरीर से क्योर नहीं होता है. जैसे डायबिटीज़ है, अगर वो शुगर कंट्रोल्ड है तो पेशेंट के लीड अ नॉर्मल लाइफ. सो रूमेटॉइड को कंट्रोल किया जाता है, इसको शरीर से ख़त्म नहीं किया जाता, क्योंकि मैंने बताया जैसे ये जेनेटिक फैक्टर्स हैं, इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स ज़रूर होते हैं, जैसे कि स्मोकर्स हैं और ओबीस लोग हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, जिनको ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं. बट मोस्टली इसकी जो मेडिसिन हैं लाइफ लॉन्ग चलती हैं, और ये डिज़ीज़ एक जैसी नहीं रहती. मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, ये नहीं कि पूरा साल आपको एक जैसा ही, कई बार कुछ महीने में जैसे कि बरसातें होती हैं या विंटर मौसम में जब वेदर चेंज होता है, तो इसका जॉइंट्स का जो पेन और स्टिफनेस का अटैक एकदम से आता है, तो उसको हम रिलैप्स बोलते हैं या फ्लेयर अप कहते हैं. और फिर कुछ महीने और कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स ऑल्सो वो बिल्कुल ही दबा रहता है, और कई साल भी कई बार वो सामने नहीं आता, तो उसको हम रेमिशन कहते हैं. तो इसके जो ट्रीटमेंट है रेमिशन और फ्लेयरअप्स के बीच में चलता है, और इसीलिए इसको लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक प्रॉब्लम बताया जाता है. यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग, बिकॉज ये एक थोड़ा ये लॉन्ग स्टैंडिंग इसका इलाज चलता है, तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर इसके लिए ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसमें सबसे कॉमनली ये देसी दवाइयाँ खानी शुरू करते हैं, जिसमें हाई डोज स्टेरॉयड है. इससे ज़रूर बचिए, और डेफिनेटली यू कैन ट्राई अदर ट्रीटमेंट्स, बट प्लीज़ कंसल्ट योर फिजिशियन बिफोर यू स्टार्ट योर ट्रीटमेंट. सो वॉट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस? इसका ट्रीटमेंट कम्स इन वेरियस कैटेगरीज. ऑफकोर्स फिजिकल थेरेपी, रिहेबिलिटेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्योंकि जैसे मैंने बताया जॉइंट्स स्टिफ होने शुरू हो जाते हैं, जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो जाती है, तो फिजिकल थेरेपी विल रिमेन अ वेरी लॉन्ग, वेरी मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट. फिर मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर हम मेडिकल दवाइयों की बात करें, रूमेटॉइड में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई. और हमारा पर्पस क्या होता है रूमेटॉइड में? हमारा पर्पस ये नहीं होता कि पेशेंट को कभी पेन ना हो. हमारा पर्पस है कि पेशेंट मोबाइल रहे, फिजिकली एक्टिव रहे, उसके अंदर कुछ परमानेंट डिफॉर्मिटीज़ ना आए, जितना हो सके हम उसको प्रिवेंट करें या प्रोग्रेशन में रोकें. तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो होता है पेन किलर्स, जिसको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं. ऑफकोर्स उसको शुरू शुरू में देना ज़रूरी है, पर वो लॉन्ग टर्म नहीं देना चाहिए. अगर हम रेगुलर पेन किलर्स खाएँ तो हमारी किडनीज़ पे, लिवर्स पे असर होता है. तो ये होता है एक इनिशियल फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. फिर स्टेरॉइड्स भी दिया जाता है, स्टेरॉइड्स इन लो डोजेस एंड गिविंग इट इन पल्स वे, मतलब बीच में कुछ दिया फिर छोड़ दिया, वो अफेक्टिव है रूमेटॉइड में. पर हाई डोज स्टेरॉइड से बच के रहें, जो कि मैंने जैसे पहले बताया देसी दवाइयों में वो हाई डोज स्टेरॉइड डाल देते हैं, जिससे आपको असर तो बहुत मैजिक की तरह होगा, पर बाद में वो आपकी बोन्स को खोखला करेगी और मल्टीपल इश्यूज होंगे. सो स्टेरॉइड्स व्हेन यूज्ड इन द राइट डोजेस इज इफेक्टिव, एंड इन लो डोजेस इज इफेक्टिव इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस. फिर जो मेन इसकी दवाई होती है, जिसको हम डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स, डीमार्ड्स कहते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग, जो जिसका पर्पस होता है कि हाथ पैर टेढ़े ना हो. इसमें कई क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, जैसे मीथोट्रेक्सेट है, सैलाजोपैन है, एचक्यूटोर है जो आपने सुना होगा, कोविड में भी बड़ा पॉपुलर हो गया था HCQS, लेफ्लुनामाइड है, और भी कई कई नई दवाइयाँ आ रही हैं जो कि बहुत सेफ और इफेक्टिव हैं. और इन मेडिसिन को हमेशा इन कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए, टू ड्रग्स एटलीस्ट, ताकि उनका साइड इफेक्ट कम से कम रहे. और अगर एक चीज़ ज़रूर समझिए, आज मैंने आपको एक रूमेटॉइड की दवाई डाली, मे बी कॉम्बिनेशन डाला, वो कुछ महीने के बाद कई बार असर करना बंद कर देती. वी हैव टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट लेवल, देन द नेक्स्ट लेवल. सो वी हैव टू गिव दीज ड्रग हॉलीडेज, बीच में ब्रेक देना चाहिए, ताकि उस दवाई का जो साइड इफेक्ट है उसे बॉडी रिकवर कर सके, एंड कॉम्बिनेशन में दिया जाए. सो दीज DMRDs आर वेरी इफेक्टिव. फिर ऑफकोर्स बायोलॉजिक्स हैं कुछ, जो थोड़ा सा ये जो DMRD या बायोलॉजिक्स, ये आपकी इम्यूनिटी को चेंज करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट्स होते हैं, ताकि आपकी जैसे मैंने बताया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है उसको कंट्रोल किया जाए. सो बायोलॉजिक्स हैं जो थोड़ी स्ट्रॉन्गर क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, दे आर एक्सपेंसिव, दे आर ऑल्सो यूज. और फिर ऑफकोर्स सर्जिकल मैनेजमेंट, जहाँ हमारे रूमेटॉइड हमारे बड़े बड़े जोड़ों को खा जाता है, जैसे कि नीज में या हिप्स में जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर हम सर्जिकली उस जॉइंट को रिप्लेस करते हैं, जैसे नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट. सो सर्जरी के भी कुछ इंडिकेशंस हैं इन लेट स्टेज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. बट बाय एंड लार्ज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशनल थेरेपी विद न्यूट्रिशनल थेरेपी, देर आर सर्टन फूड्स विच कैन एग्रेवेट, सो वी टेल द पेशेंट्स टू अवॉइड,
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिकल थेरेपी एंड सर्जिकल थेरेपी व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो जो रिमेटॉइड में जो सर्जरीज के मैंने आपको क्वेश्चन बोला उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो तो फिंगर के छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, डिफॉर्मिटीज हैं, उनको तो बेस्ट प्रिवेंट किया जाए क्योंकि उनकी जो सर्जिकल करेक्शन इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। जो सर्जिकल मैनेजमेंट मेनली हमारा आता है जब हमारे बड़े जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं लाइक माई नीज एंड हिप्स। अगर घुटने जल्दी रूमेटॉइड की देखो ऑस्टियोथराइटिस में भी नीज खराब हो जाते हैं, रूमेटॉइड्स में ये जो नी आर्थराइटिस है थोड़ा जल्दी आ जाता है। रिलेटिवली रूमेटॉइड में जो नी रिप्लेसमेंट है वी हैव टू डू इट एट अर्ली एज ग्रुप समवेयर बिटवीन 40s एंड 50s। अगर आपका जॉइंट काफ़ी ख़राब है और आपको रूटीन मेडिसिन से रिलीफ नहीं आ रहा और आपके चलने फिरने में दिक्कत है तो डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट फॉर नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल, इट चेंजेस योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट इज़ अ वेरी ब्लडलेस पेनलेस सर्जरी। जहाँ आपका डॉक्टर आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन देखे कि रूमेटॉइड के साथ आपकी नीज काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी है सो प्लीज़ ऑप्ट फॉर नी रिप्लेसमेंट। येस ऑफकोर्स साथ साथ आपकी एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स साथ साथ चलनी चाहिए बिकॉज मैंने जैसे बोला ये सिर्फ एक बोन की डिसऑर्डर नहीं है, मसल्स नर्व्स कई बार पिन्स एंड नीडल्स मसल्स में भी टिश्यूज में भी डैमेज होता है तो उन सब का भी ये दवाई ने ख्याल रखेंगे और सर्जिकल ऑप्शन जहाँ ज़रूरत हो इस ऑप्शन को ज़रूर यूज़ करें। सो इन द एंड मैं अपने पेशेंट्स को यही एडवाइस करूँगा कि आप इस बीमारी से निराश मत होइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए। हाँ दवाइयाँ लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती हैं, अपने फिजिशियन के टच में रहिए। जैसे मैं बताया कब कभी कुछ जब आपका फ्लेयर अप है तो ज़्यादा दवाइयाँ चलती हैं, अदरवाइज़ हम 1 or 2 ड्रग्स पे मेंटेन करते हैं। देसी दवाइयाँ सोच के खाइएगा बिकॉज उसमें हाई डोज स्टेरॉइड होता है। अपनी फिजिकल रिहैबिलिटेशन थेरेपी करते रहें, न्यूट्रिशियस डाइट लें, स्मोकिंग से बचें जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छा है और अपने मेडिसिंस को रेगुलर लीजिए और उनके साइड इफेक्ट्स को भी मॉनिटर करते रहें। थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो शेयर जरूर करें और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।